हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे चिकन बिरयानी। तो चिकन बिरयानी बनाने के लिए मैं यहाँ पर चिकन को अच्छे से धो के रखी हूँ। उसके बाद जो जो स्टेप मैं करूँगी उसे आप ज़रूर फॉलो करिएगा और देखिएगा चिकन बिरयानी कैसे बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, कढ़ाई रखना है गर्म होने के लिए। कढ़ाई गर्म हो चुका है, अब इसमें हम ऑयल डालेंगे। ऑयल डाल के ऑयल को गर्म होने के लिए छोड़ेंगे। मैं यहाँ पर 3 से 4 स्पून बराबर ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, अब इसमें हम 2 इलायची डालेंगे, सॉरी 2 तेज़पत्ता डालेंगे, 1 इलायची डालेंगे, 2 से 3 लौंग डालेंगे और थोड़ा सा दालचीनी डालेंगे। इसके बाद हम इसमें प्याज डालेंगे जो कि बारीक कटा हुआ है। प्याज डालने के बाद इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक डाल के इसे अच्छे से ऑयल में मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसे 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे। अब 2 मिनट के बाद हमें प्याज को चेक करना है। देखिए प्याज एकदम नरम हो गया है, इसे थोड़ा सा हाई फ्लेम में और फ्राई करना है। देखिए प्याज एकदम गोल्डन ब्राउन हो चुका है, जितना हमें चाहिए था। अब इसमें हम मसाला डालेंगे। मैं यहाँ पर मसाला रेडी करके रखी हूँ जो कि है अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट। तो चलिए इसमें डालते हैं। मसाला डालने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें हम बाकी के मसाले डालेंगे। तो पहले हम हल्दी डालेंगे, उसके बाद हम इसमें अभी जीरा पाउडर डालेंगे थोड़ा सा, उसके बाद धनिया पाउडर थोड़ा सा, उसके बाद कस्तूरी मेथी डालेंगे थोड़ा सा, और उसके बाद स्वाद अनुसार नमक भी डालेंगे, और लास्ट में क्या डालेंगे, रेड चिल्ली पाउडर। आपको जितना तीखा चाहिए उसी हिसाब से आपको डालना पड़ेगा। रेड चिल्ली पाउडर डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हम 10 से 15 मिनट तक स्लो फ्लेम में कवर करके रखेंगे। 10 मिनट हो गया है, तो चलिए अपने मसाला को थोड़ा सा चेक करते हैं। देखिए मसाला लगभग रेडी हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें टमाटर प्यूरी डालेंगे, जो कि मैंने यहाँ पर टमाटर को ग्राइंडिंग करके रखी थी उसको डालेंगे। डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से टमाटर को मसाले के साथ मिक्स करने के बाद इसको हम और 10 मिनट के लिए कवर करेंगे। अब 10 मिनट हो गया है, चलिए मसाला देखते हैं। अब देखिए मसाले में से ऑयल भी निकल रहा है, लगभग मसाला हो चुका है। तो अब हम इसमें चिकन को डालेंगे जो धो के रखे थे। चिकन डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा सा और नमक ऐड करेंगे। नमक ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको मीडियम फ्लेम में 10 से 15 मिनट तक कवर करेंगे। चिकन को तो पकने के लिए हमने छोड़ दिया है, अब दूसरी साइड हम क्या करेंगे, बिरयानी बनाने के लिए राइस को बनाएंगे। तो राइस बनाने के लिए मैं यहाँ पर पहले पानी को गर्म होने के लिए रखूँगी। पानी हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें हम क्या करेंगे, राइस को डालेंगे, चावल को डालेंगे जो कि मैं यहाँ पर धो के रखी हूँ। चलिए चावल को डालेंगे। चावल को डालने के बाद इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे और थोड़ा सा हल्दी भी डालेंगे, और साथ में 2 इलायची, थोड़ा सा दालचीनी और 2 से 3 लौंग को डालेंगे और इसे उबल आने तक रखेंगे। अब देखिए राइस उबलने लगा है, उसी टाइम हमें क्या करना है, तेज़पत्ता डालना है और साथ में थोड़ा सा कस्तूरी मेथी भी डालना है और इसे छोड़ देना है पकने के लिए। जब तक राइस रेडी हो रहा है तो चलिए हमारा चिकन को चेक करते हैं कितना हुआ है। तो चलिए चिकन को देखते हैं कितना हुआ है। देखिए इसमें से पानी निकल रहा है और साथ साथ में ऑयल भी निकल रहा है। अब इसमें हमें क्या करना है, थोड़ा सा मीट मसाला डालना है। मीट मसाला हमें यहाँ थोड़ा सा डालना है क्योंकि लास्ट में हमें यहाँ पर बिरयानी मसाला भी यूज़ करना है। तो मीट मसाला डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद और 10 मिनट के लिए इसे कवर कर लेंगे। हमारा बिरयानी चावल बन के एकदम रेडी है, तो चलिए इसे एक छन्नी की सहायता से छान लेते हैं। देखिए मैं यहाँ पर चावल को छान रही हूँ एक छन्नी की सहायता से। अब इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बिरयानी मसाला डालेंगे। डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये हो गया मिक्स, तो इसे हमें साइड पे रख दीजिए। अब इसे हमें साइड में रख देना है जब तक चिकन हो रहा है। तो चलिए चिकन को भी चेक करते हैं कितना हुआ है। देखिए लगभग रेडी हो गया है, थोड़ा सा अभी और इसे ड्राई करना पड़ेगा। तो इसे हम अभी खुले में छोड़ेंगे 5 से 10 मिनट तक, ताकि इसमें थोड़ा सा पानी सूख जाए। अब देखिए चिकन थोड़ा
ड्राई हो चुका है, तो अब इसमें हमें क्या करना है, बिरयानी मसाला डालना है। मैं यहाँ पर एवरेस्ट की बिरयानी मसाला यूज़ कर रही हूँ, आप जो ब्रांड की यूज़ करना चाहते हो कर सकते हैं। मसाला डालने के बाद इस अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब इसमें हमें क्या करना है, थोड़ा सा पुदीना पत्ता डालना है और साथ में थोड़ा सा धनिया पत्ता भी डालना है। पुदीना पत्ता और धनिया पत्ता डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसे और 5 मिनट के लिए कवर कर देना है। 5 मिनट हो गया है तो पहले चेक करते हैं चिकन कितना हुआ है। अब देखिए चिकन बन के एकदम रेडी है बिरयानी बनाने के लिए। तो चलिए अब इसे हम क्या करेंगे ना, दम देंगे राइस के साथ। दम देने के लिए मैं यहाँ पर मिट्टी की हंडी का यूज़ कर रही हूँ। आप किसी भी सस्पेन हो या कढ़ाई हो इसमें भी बना सकते हो। तो मैं यहाँ पर हंडी को गर्म होने के लिए छोड़ देती हूँ। हंडी गर्म हो चुका है, अब इसमें हमें क्या करना है, थोड़ा सा गाय का घी डालना है। घी डालने के बाद घी को मेल्ट होने देना है। घी मेल्ट हो गया है और हमें गैस को ऑफ कर देना है। अब हमें इसमें फर्स्ट लेयर क्या देना है, राइस को देना है। अभी फर्स्ट लेयर राइस दे दिए हैं, अभी दूसरी लेयर हमें क्या देना है, चिकन को देना है। तो चलिए दूसरी लेयर चिकन को डालते हैं। अब चिकन डाल दिए, अब इसके ऊपर दोबारा हमें राइस को डालना पड़ेगा। राइस डाल दिए, फिर उसे दोबारा इसमें चिकन डालेंगे। चिकन डाल दिए हैं, अब इसमें लास्ट में बाकी के राइस डाल देंगे। अब हमारा दम बनने के लिए रेडी है। अब इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और बिरयानी मसाला ऊपर से ऐसे डालेंगे। डालने के बाद इसमें ऊपर से और थोड़ा सा घी डालेंगे। घी डालने के बाद इसे 2 से 3 मिनट के लिए कवर करके स्लो फ्लेम में पकाएंगे ताकि ये थोड़ा सा अंदर से दम ले सके। अब चलिए देखते हैं। देखिए हमारा बिरयानी दम होके एकदम रेडी है सर्व करने के लिए। चिकन बिरयानी एकदम बन के सर्व करने के लिए रेडी है। तो चलिए सर्व करते हैं चिकन बिरयानी। आपकी चिकन बिरयानी बन के एकदम रेडी है सर्व करने के लिए। मैं यहाँ पर चिकन बिरयानी के साथ कचुंबर बनाई हूँ खाने के लिए। अगर आपको मेरी इस चिकन बिरयानी की रेसिपी अच्छी लगी होगी तो आप इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आपको मेरे चैनल में दिए गए सारे वीडियोज़ अच्छे लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक और कमेंट भी करिएगा। चिकन बिरयानी बना के आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जगन्नाथ।